आन टीवी के दिलचस्प मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। रुखसार रुखसार जल्दी उठ जा, अरे रिश्ता देखने के लिए आ रहे हैं तेरा, उठ जा जल्दी। जी अम्मा। आप ये कबाब लीजिए ना, ये रुखसार ने अपने हाथों से बनाए हैं, बहुत मेहनती है। बहुत शुक्रिया भाई। वो चॉपर का तो इस्तेमाल करती नहीं, हाथ की मशीन से कीमा निकाला इसने। साइमा, मैं भी प्लेट पकड़े बैठी हुई हूँ, टांगें जवाब दे गई हैं ना, जुबान और मैदा तो बिल्कुल ठीक है मेरा, क्या भूखा मारोगी मुझे? जी अम्मा, बस ध्यान नहीं रहा था, ये लीजिए। मेरा तो मानना है बहुएं भी बेटियों जैसी होती हैं, और मैं भी बहू नहीं बेटी ढूंढ रही हूँ। अगर बेटा ना होता, बढ़ापा रुसवा हो जाता है। मेरा बेटा 17 ग्रेड का अफसर था, उसकी जिंदगी में इस घर में किसी चीज की कमी नहीं हुई थी। दरअसल अम्मा को पोते का बहुत शौक था, तो जब रुखसार होने वाली थी ना, तो अम्मा ने ख्वाब देखा था कि बेटा हुआ है, बस हर चीज लड़के के हिसाब से बनाई थी। और हुई लड़की। अरे साइमा बहन, आप बेटी को तो बुलवाइए ना। जी जी। बात तो ठीक है, शादी के बाद भी मैं तुम्हें रोज ऐसे ही गोलगप्पे खिलाऊंगा, पसंद है ना तुम्हें? पसंद तो मुझे चांद तारे भी हैं। चांद तारे भी ले आएंगे, फिलहाल तुम गोलगप्पे खाओ। वैसे लगता है मुझसे ज्यादा तुम्हें गोलगप्पे पसंद है। यह तो है, और ये मेरी मोहब्बत का सबूत है जो मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रही हूँ। बेटा हो गई तैयार? जी। अरे ये चूड़ियां नहीं पहनी तुमने? जल्दी से पहन लो, खाली कलाइयां अच्छी नहीं लगती। आ जाओ जल्दी से। तो पूरी की पूरी अच्छी नहीं लगती किसी को। भाई आ भी जाओ, जल्दी करो। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, अरे चूड़ियां तो बहुत प्यारी पहनी हुई हैं आपने। जी जी, ये तो खुद बनाती है, कभी मोती लगाकर और कभी रिबन लगाकर, इसको बहुत शौक है चूड़ियों का। माशाल्लाह बहुत हुनरमंद हो। चाय ले लीजिए।
नहीं बेटा, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह साइमा बहन, आपने बेटी की बहुत अच्छी तरबियत की है, और बेटियों को ऐसे ही घर संभालना आना चाहिए। और ये मेरी बेटी के लिए, हमें ये रिश्ता पसंद है। ये अम्मी, मुझे आज सैली मिली है। मैं गाजर का हलवा और रस मलाई लाई हूँ। वालेकुम सलाम। I'm sorry, मैंने आपको देखा नहीं। माशाल्लाह, कितनी प्यारी बच्ची है। अरे कहाँ छुपा के रखा हुआ था साइमा बहन? ये रुखसार की बहन है छोटी, ऐसे जरा किसी काम से बाहर गई थी। माशाल्लाह, इधर आओ बेटा, इधर आओ, मेरे पास बैठो। आओ आओ, आजा। क्या करती हो बेटा? मैं ट्यूशन में पढ़ाती हूँ। माशाल्लाह, चांद का टुकड़ा हो तुम। मुझे जरा काम है। अरे बैठो ना, कहाँ जा रही हो? तुम हमें पसंद हो। भाई साइमा बहन, रिश्ता तो मैंने आपके घर ही करना है, और मुझे आपकी ये वाली बेटी पसंद आ गई है। बस आप मुझे ये बताएं कि मैं अंगूठी लेके कब आऊं, और मेरी तरफ से रिश्ता पक्का। लो जी, रुखसार के एक और रिश्ते से इनकार हो गया। अब तो मेरी गिनती भी खत्म हो चुकी। तुम क्या लोगों के सामने नजरें झुकाकर बैठ जाती हो? आजकल कौन सा जमाना है शर्माने वालियों का? सारी बात किस्मत की है अम्मा। मेरी किस्मत अरीशा जैसी तो है नहीं, मेरा क्या कसूर है? मुझे इल्जाम देने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने किसी की किस्मत अपने नाम नहीं लिखवाई हुई। और सुनो, तुम्हारे साथ की सब लड़कियों की शादी हो चुकी है, उनको तो मेरे होने से कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरी बेटी शगुफ्ता ने 18 के होते ही दोनों बेटियों की शादी कर दी। अब तो उसके बच्चे भी उसके कंधे तक आ गए। तुम्हारी माँ को ही बड़ी ख्वाहिश थी कि बेटियों को पढ़ा लिखा कर बूढ़ा कर। अम्मा, इनके सर पे कौन सा बाप का साया था जो मैं कम उम्र में शादी कर देती इनकी? बेवा और गरीब माँ की बेटियों का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। वैसे दादी, आपकी हीरे जड़ी बेटी आपका हाल तक तो पूछने आती नहीं है, और एक आप है कि शगुफ्ता फूफो के कसीदे ही पढ़ती रहती हैं। साइमा, मैं तुम्हें सच्चा मशवरा दे रही हूँ। वो लोग इसको पसंद करके गए हैं, इसको तो चलता करो, बड़ी जुबान चलती है अब इसकी। मैं बड़ी से पहले छोटी का हरगिज नहीं कर सकती। पहले रुखसार की बारी है, उसके बाद अरीशा की। ये वाला रिश्ता अरीशा के नसीब का है। जब रुखसार पर आएगा तब देखी जाएगी, इसको तो पार लगाओ। क्या खबर मेरी आंखें कब बंद हो जाएं? तुम अकेले क्या क्या देखोगी? अम्मा, अरीशा का तो हो ही जाएगा, मुझे तो रुखसार की फिक्र है। इसके लिए कोई ढूंढे। जिसका रिश्ता आ रहा है उसी के नसीब का है, उसी की बारी। अम्मा, ऐसा कैसे हो सकता है? उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटियों में तफर्रुक करने की? वो नहीं कर रहे, तुम फर्क कर रही हो। अम्मा, ये लोग तो मुझे वैसे भी अच्छे नहीं लगे। देखा नहीं आपने कैसे मेरी दोनों बेटियों में फूट डलवा दी? लो, फिर हो गया रिश्ता। वैसे अम्मी, जो भी रिश्ते वाले रुखसार को देख के जाते हैं, पलट के फोन तक तो करते नहीं है वो। चूंकि उन्हें तुम जो नजर आ जाती हो, तुम्हें देखने के बाद कोई मुझे देखता तक नहीं। पता नहीं क्या जादू है तुम में। जादू? अम्मी देख रही हैं आप, मुझे जादू घर नहीं कह रही है। एक तो मैं मेहनत करके ट्यूशन पढ़ाती हूँ, सारे घर का खर्च उड़ाती हूँ, आप लोग ऐश की जिंदगी जी सके, और उसके बाद बातें भी मैं सुनूं,
अरे बेटा छोटी बहन है, तुम ही लिहाज कर लो। चलो बर्तन समेटो और जाओ अंदर जाके किचन देखो। इधर आ मेरे पास, इधर आ मेरी बच्ची, इधर आ। रो क्यों रही है? तुम तो मेरी शहजादी बेटी हो। तुम रुखसार मुझे वहां तक तो पहुंचाओ। कहां तुम चली? अम्मा मैं बता रही हूँ, मैं वहां शादी नहीं करूंगी। मुझे नोट लेके गए, कल तारीख लेने आ जाएंगे। अरे परेशान ना हो बेटा, जो मेरी बड़ी बेटी की कदर नहीं कर सका ना, वो मेरी छोटी के लायक भी नहीं। अरे देखो मुकम्मल हो गया, मैंने सारा खुद ही सिया है। अच्छा लग रहा है ना? ये कितना प्यारा है और कितना अच्छा कलर है। कभी मुझे भी बना दिया करो। सारे मेरे बनाए हुए तो पहनती हो तुम, लेकिन ये मैं नहीं दूंगी तुम्हें, ये मेरा फेवरेट कलर है। प्लीज ये मुझे दे दो। तुम तो सारा दिन घर पे ही होती हो, नया बना लेना, मुझे कहाँ टाइम मिलता है। बड़ी मुश्किल से शेड मिला है ना ये, तुम पे तो वैसे भी हर रंग सजता है। तुम अपना पसंदीदा कलर बता दो ना, मैं नया बना दूंगी तुम्हारे लिए। रहने दो, इतना छोटा दिल है तुम्हारा, नहीं चाहिए। अच्छा क्यों नाराज हो? ले तुम पहनो, मैं पहनू, एक ही बात है ना। खैर एक बात तो नहीं है, तुम डरती हो कि मुझ पे ये ज्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन अब मुझे नहीं चाहिए, तुम ही रखो। मैंने कह दिया ना कि तुम रख लो, मान लो ना मेरी बात। वैसे इतना खास रंग भी नहीं है, तुम तो अभी से बूढ़ी होगी हो, इतने डल कलर पहनती हो। अच्छा मुझे इसके साथ कोई मैचिंग चूड़ियां ही दिखा दो, कम से कम थोड़ी जान तो आए जोड़े में। क्या हुआ अब, चूड़ियां देने का भी हौसला नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं है, वो चूड़ियां पड़ी है ना अंदर मेरी, जो भी अच्छी लगे ले लेना। आई हूं और तुमने मेरी तारीफ नहीं की। रुखसार ने आज ये जोड़ा सिया था और मैंने पहन लिया। तुम्हारा सही है भाई, अपनी बहन की हर चीज पर कब्जा कर लेती हो, बुरी बात होती है। वैसे मजे की बात बताऊं, उसके लिए जो रिश्ता आता है वो मुझे पसंद करके चले जाते हैं। और तुम इस बात से खुश हो रही हो? तुम्हें क्यों जलन हो रही है भाई? मैं जेलस भी ना हूं, पता नहीं तुम्हारी बहन की शादी कब होगी, कब ये बैरियर हटेगा। वैसे अगर उसकी शादी एकेडमी वाले सर इरफान से करवा देना, दोनों परफेक्ट हैं। हो ही ना जाए उनसे शादी उसकी। मैं मजाक कर रही थी, वैसे आज उन्होंने मेरी चूड़ियों की बड़ी तारीफ की है। मेरी बात सुनो, तुमने मुझसे शादी करनी भी है कि नहीं, सच सच बता दो मुझे। जाहिर है करना चाहती हूँ, इसलिए तो तुम्हारे साथ हूँ। खाक साथ हो, मैं तो कब से तुम्हारे घर रिश्ता भेजना चाहता हूँ, मगर तुम मुझे कभी एक कहानी सुनाती हो कभी दूसरी। मैं इसलिए मना करती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ जब तक उस रुखसार की शादी नहीं होगी ना, अम्मी नहीं मानेगी। पर तुम्हें कम से कम मेरे लिए कोई स्टैंड तो लेना चाहिए ना, तुम्हारी वजह से मैंने अम्मी को भी नाराज किया है। वो तो कब से मेरी खाला की बेटी से शादी करवाना चाहती थी, तो मैंने कह दिया उन्हें कि शादी करूंगा तो अपनी पसंद की लड़की से, वरना नहीं। मेरी बात सुनो, मर्दों की ना जबरदस्ती शादी नहीं होती। हाँ अगर तुम्हारी नीयत बदल गई है तो साफ कह दो मुझे। ओ हेलो, नीयत ना तुम्हारी बदल गई है तभी रोज रिश्ते आते हैं तुम्हारे घर। अब तो मेरे घर वाले भी शक करते हैं कि पता नहीं कोई अरीशा नाम की लड़की है भी या नहीं, या कोई बहाना करता हूँ मैं। अच्छा फवाद तुम तो समझो ना। मेरी समझ ना, जवाब दे चुकी है, कोई फैसला कर लेना ना तो मुझे बता देना, मैं जा रहा हूं।
रुखसार, जल्दी से कपड़े फैला के नीचे आ। ध्यान से अम्मा, ध्यान से। रुको रुको, कोई जरूरत नहीं है चूड़ियां लेने की। मम्मा मैं तो बस, मैं देख चुकी हूँ, ये चूड़ियां भी किसी काम नहीं आती। मम्मा मुझे चूड़ियां अच्छी लगती हैं। चल बेटा, तू तो चल यहां से। जा। कौन सी उम्र रह गई, यही पैसे मुंह पे लगा लिया कर, कुछ काम भी आए। क्या फायदा पैसे खर्चने का, किस्मत तो नहीं बदल जाएगी ना। अनिला आपा की मोहल्लेदार नहीं है, बहुत नेक और शरीफ लोग हैं, वो आएंगे, जाके कुछ मुंह पे लेपा तो भी करा ले खामखा में। और सुन, ये जरा बोलने का ढंग भी सीख ले, छल्ली बनी फिरती है खामखा में। चल जाए यहां से। बेटा पैदा किया होता ना तो आज यूं परेशान नहीं हो रही होती। वो कमा के भी लाता, उसकी शादी के लिए इतने रोग भी नहीं लगाने पड़ते। बस अल्लाह की मर्जी, बेटियां हों तो नसीबों वाली, वरना इससे बेहतर बे औलादी अच्छी है। अम्मा कभी तो दिल से दुआ दे दिया करें, आपकी सगी पोती हैं। अनीला बता रही थी कि लड़के ने बाहर जाना है, उसकी माँ को बहुत जलती है। बस उसकी माँ तो पहली लड़की को देखते ही हाँ कर देगी, यूं समझे कि पक्का पकाया रिश्ता है। परिंदों तुम बहुत खुशकिस्मत हो, मौसम बदलता है तो खुद ही एक ठिकाने से दूसरे ठिकाने चले जाते, तुम्हें किसी डोली का इंतजार नहीं करना पड़ता। कोई नहीं पूछता कि जहेज में क्या लाओगी, क्या क्या खाने पकाने आते हैं। कोई नहीं कहता कि हाथ में जितना जायका है उतना रूप सूरत पे क्यों नहीं। खैर अब ऐसा तो नहीं है कि मेरी किस्मत बहुत ख़राब है। 16 साल की थी तो मेरा पहला रिश्ता आ गया था, मगर जिसका आया था उनसे दादी ने लड़ाई कर डाली, कसूर दादी का, सजा मेरी। रुखसार, देखो बेटा बाहर कौन है दरवाजे पर। जी अम्मा।
जी आप कौन? मुझे तुम्हारी खाला अनिला ने रिश्ते के लिए भेजा है। तुम हो रुखसार? अरे कौन है दरवा, ये कौन है? अम्मा खाला लीला की सहेली आई है मेरे रिश्ते के लिए। तो अंदर भी नहीं आई, बाहर से ही चली गई। फोन करके तो आती, मुझे पक्का यकीन था कि यहां पर रिश्ता हो जाएगा। रुखसार को क्या पड़ी थी दरवाजा खोलने की, तुमसे कह दिया होता अब भुगते। अरे अम्मा मेरी ही गलती थी, मैंने ही कहा था दरवाजा खोलने को। रुखसार मेरा पर्स ला दे बेटा, जल्दी से मैं बाजार जा रही हूँ। जी। और हाँ दोपहर के खाने का कुछ कर लेना। जी अम्मा। सुनो हाँ, मेरे ये कपड़े प्रेस कर देना, मैं वापस आके दोस्त की तरफ जाऊंगी। ये लो। और हाँ अभी कर देना ये ना लाइट चली जाए। सबके काम मैं ही करूंगी। आई 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 रुखसार। क्या हुआ रुखसार? क्या हुआ दादी? आए रुखसार क्या हो गया? मेरे पाँव में बल बढ़ गया। अरे दादी दादी वो मसल पुल हो गया होगा ना, आप घबरा रही हैं, खामखा मुझे दबाने दे। पाँव बहुत दर्द हो रहा है। छोड़िए तो सही। बहुत दर्द हो रही है। बस कुछ बेहतर हुआ, मैं जरा चूल्हा देख कर आती हूँ। मेरे पाँव में बल पड़ गया, मेरी जान निकल गई और तुझे चूल्हे की पड़ी है। माँ की तरह उजड़, ये नहीं कि दादी का पाँव दबा दे सहला दे। दादी आप जो कहोगी ना मैं करूंगी, लेकिन आप मुझे दुआ दोगी ना, हो सकता है आपकी दुआ से मेरे नसीब बदल जाए। आए आए मेरी बच्ची, मेरी शहजादी जी गुप्ता, एक दफा अपनी जल्दी आ जाया करो ताकि मेरे कलेजे को ठंडक मिले। दादी अगर आपको याद आ रही है तो मैं फोन कर दूं, बात करा दूं आपकी। नहीं नहीं, उसे जलील करने के लिए क्या बुलवाऊं तुम लोगों के हाथों मेहमानों के आगे, रखने के लिए सही बर्तन भी नहीं है। वो इतने बड़े अफसर की बीवी है तो क्या उसे बुलाऊं मैं? आई मेरे अल्लाह, मेरी बच्ची शगुप्ता। आए, मेरी बच्ची नाजों की पली, मेरी शहजादी शगुप्ता। अरिशा जब से तुमसे मोहब्बत हुई है ना, हकीकत इतनी हसीन हो गई है कि ख्वाबों की जरूरत ही नहीं रही। यार आई रियली लव यू। अम्मा नहीं अम्मा नहीं, ये आरिशा को उसके काम की जगह से मिला है। अम्मा अम्मा नहीं, तुमने मेरी खुशियों को बर्बाद कर ही दिया ना। तुम तो यही चाहती थी तुम्हारी शादी नहीं हुई तो मेरी भी ना हो। ऐसा क्यों चाहूंगी मैं, ऐसे कोई बात नहीं है। तुमने मेरी चीजों को हाथ कैसे लगाया? तुम्हें क्यों समझ नहीं आता तुम और मैं एक जैसे नहीं हैं? तुम पर रंग नहीं सजते तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं भी सफेद ओढ़ लूं। तुम्हारी शादी नहीं हुई तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरी भी नहीं होने दोगी। मैं रोज ठुकराए जाने की आग में जलती हूँ, मैं अपनी ही बहन के लिए ऐसा क्यों चाहूंगी? मैं तुम्हारी बहन हूँ?
जिस दिन से तुम्हारे रिश्ते वालों ने मुझे पसंद करना शुरू किया है, उस दिन से तुमने मुझे बहन छोड़कर अपना दुश्मन मान लिया है और वही दुश्मनी तुम निभा रही हो। तो मैं अपने अलावा कोई दूसरा दिखाई कब देता? ना मेरी कभी तकलीफ पहचानी है तुमने, ना ही मेरी मोहब्बत समझी। लेकिन तुम तो हमेशा दूसरों को ही देखती हो ना, तुमसे बर्दाश्त नहीं होता जो तुम्हारे पास नहीं है वो मेरे पास हो, तुम मुझे सब छीनना चाहती हो। अरिशा, उस लड़के को बुलाओ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। मेरे शौहर की वफात को कई साल हो चुके हैं। हमारे पास देने को ना लंबा जहेज है और ना ही विरासत। मुझे सबकी ख्वाहिश नहीं, मैं तो बस अरिशा। मेरे घर में कोई मर्द नहीं है, मैंने हमेशा यही सोचा था कि मेरा दामाद इस घर का मर्द बनेगा। आप मुझ पर भरोसा करें, मैं आपका दामाद नहीं इस घर का बेटा बनकर दिखाऊंगा। मैंने अपनी बेटियों को अकेले बहुत मेहनत से पाला है, मैं उनका कोई दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपको ये सब कहने की जरूरत नहीं है, मैं उसको हर हाल में खुश रखूंगा, आज तक नहीं आने दूंगा उस पर, बस आप मुझे अपना बेटा बना लें। सोच लो, कौल निभाना भी एक आजमाइश है। मैं अपनी जबान पर जान दे सकता हूँ, आप मुझे हर हाल में साबित कदम पाएंगे। ठीक है, रुखसार मेरी पहली औलाद है, असूलन शादी भी उसकी पहले होनी चाहिए। मैं चाहती हूं तुम रुखसार से शादी कर लो। ये क्या हमकत कर दी तुमने? मैंने तो असूल की बात की है। वो घर चलकर आया था, इज्जत से बयाना जा रहा था, तो मैंने कौन सा इनकार किया? रुखसार की डोली उठ जाए तो अरिशा की बारी भी आ जाएगी। लेकिन वो रुखसार का रिश्ता लेकर नहीं आया था। आप लोगों ने तो फर्ज ही कर लिया है कि रुखसार की अब शादी नहीं हो सकती। और तुमने ये समझ लिया है कि अरिशा के हमेशा ऐसे ही रिश्ते आते रहेंगे? लड़कियां बेरी की तरह होती है, एक हद तक रिश्ते आते हैं, फिर पत्थर मारने वाले भी नहीं आते। लोग कहेंगे कि बड़ी में जरूर कोई खोट है, मैं किस किस को जवाब देती रहूंगी? खुशकिस्मती चलकर घर आई थी। खुशकिस्मती हमेशा आधा दर ही क्यों खटखटाती है? तुम आधा दरवाजा खोलो, अल्लाह ने चाहा तो पूरा भी खुल जाएगा। जो जितना सब्र करता ना उसको उतना ही फल मिलता है। रुखसार की शादी हो जाए, अरिशा के लिए भी कोई शहजादा आएगा। शहजादा ही आया था, तुमने भिखारी बनाकर चलता किया। मैं बच्चियों में तफरीक के कायल नहीं हूँ, मैं छोटी को बड़ी पे फौकियत देने वाली नहीं हूँ। बारिश भी हमेशा पहले ऊपर के पत्तों पे बरसती है, कुदरत का यही असूल है। और जड़ें? जड़ें पहले निचली टहनियों को सैराब करती हैं। अरे तुम जड़ ही बन जाओ। रुखसार में तो पहले ही खुद एतमादी नहीं है, ऐसे तो वो खुद तरसी में चली जाएगी। ऐसी डरी सहमी मखलूक को तो कोई भी पसंद नहीं करता, कौन शादी करेगा उससे? जहां दो लड़कियां होती हैं वहां मुकाबला तो होता है। एक की शादी हो जाएगी तो फिर एक ही रह जाएगी, मुकाबला खत्म, फिर हर एक को रुखसार ही नजर आएगी। अभी तो लोग पूछते हैं ना कि बाप कब फौत हुआ, घर कैसे चलता है, फिर वो ये नहीं पूछेंगे कि छोटी ने रिश्ता कैसे ढूंढ निकाला। अरे उसके किरदार पे उंगलियां नहीं उठाएंगे, बातें नहीं बनाएंगे। अरे छोटी छोटी नहीं रही,
उसके बालों में भी कुछ अरसे बाद सफेदी आ जाएगी। अम्मी, मुझे आपका ये फैसला मंजूर नहीं है। तुम होश में तो हो? मैं माँ हूँ तुम्हारी। मैं सिर्फ फवाद से शादी करूंगी और वो मुझसे। अगर आपने मुझे खुशी खुशी रुखसत ना किया तो मैं घर से भाग जाऊंगी। तुम्हारी अकल ठिकाने पे है कि नहीं? अच्छा होगा कि आप इस सच्चाई को मान लें और रुखसार के नसीब को कबूल कर लें। साहिमा, साहिमा, आए, अम्मा, आए, अम्मा, आए, अम्मा, अम्मा, क्या हुआ? अम्मा क्या हुआ आपको? अम्मा, अम्मा बताएं क्या हुआ? अम्मा आपको क्या हुआ? अम्मा, 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 अम्मा सर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई एम सॉरी मैं वक्त से जरा पहले आ गया, एक जरूरी काम था, सोचा पहले मुबारकबाद दे जाऊं। बहुत मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत खुशी हुई आप आए। आइए ना बैठे। आजे आजे आजे। ये अपने बीवी बच्चे नहीं लाया? दादी इनकी शादी नहीं हुई है, दरअसल वो इनकी अम्मी बीमार थी तो उनकी खिदमत में ही लगे रहे। लड़का अच्छा। रीशा की बहन है ना जो आर्टिस्ट है।
जी आर्टिस्ट जी जो चूड़ियों पे डिजाइन बनाती है जी वो मुझे चूड़ियां बहुत पसंद हैं मैं सजा बना लेती हूँ उन्हें आपकी शादी नहीं हुई ना नहीं मेरी भी नहीं होगी